everyone. We are from VisionGATE. I am Nisha Rathod, and we have Q&A session with our toppers. Right now we have Ashutosh Singh, who has scored AIR 38. Congrats. Thank you. So we will start by talking about your journey. तो आप अपने पूरे journey के बारे में हमें कुछ बताइए. तो मेरी journey कहाँ से start होती है मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं कहाँ से start बोलना start करूँ कि मेरी journey यहाँ से start हुई. 10 तक मैं अबव एवरेज 80% से अबव आते थे मेरे, लाइक टॉप 5 टॉप 10 में मेरी रैंक वगैरह रहती थी. 11 12 से मैंने नहीं पढ़ना छोड़ दिया था. 11 12 से लाइक एनवायरनमेंट नहीं था और नहीं पढ़ा था, पढ़ाई करी थी मैंने. तो 11 12 वेस्ट आउट हो गया था. JEE में दिया था बेकार मार्क्स से, बता भी नहीं सकते ऐसे बेकार मार्क्स से. उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन था कि ठीक है चलो अभी एक साल या तो रिपीट कर सकते हैं या फिर आगे B.Tech वगैरह में आगे जा सकते हैं कुछ. तो दोनों की चीज़ों को देखा कि लाइक क्या सीरियसली मैं एक साल रिपीट करके भी उतना डेडिकेशन के साथ में पढ़ पाऊँगा क्या. तो वो जो समझ आने लगा कि नहीं होगा, डेडिकेशन उतना नहीं है शायद. और 2 साल की पढ़ाई जो 2 साल में करी नहीं है, थोड़ा सा एकदम ब्लैंक्स लेते हैं तो वो 1 साल में नहीं होगा कवरअप. तो वो छोड़ दिया. फिर B.Tech वगैरह के लिए था तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी फैमिली ऐसी कि अफोर्ड करें B.Tech को, कि 4 साल का B.Tech 1-1 लाख रुपये जितना भी फीस रहता है उतना नहीं अफोर्डेबल था. तो B.Sc के लिए मैंने गया कि मैं B.Sc करूँगा कंप्यूटर साइंस से, और अफोर्डेबल भी है और जब है चीज़ वही. B.Tech करके भी जिस एटलीस्ट जहाँ पर था उस टाइम पे उससे कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलता जहाँ से अच्छी प्लेसमेंट वगैरह होती, तो B.Sc कर लेते हैं, अफोर्डेबल भी है और रहेगा तो प्लेसमेंट वहाँ से भी हो जाएगी. लेकिन मेरे को दिमाग में था कि मेरे को JEE वगैरह करके या फिर कोई भी थ्रू वैसे मेरे को IIT में जाने था, मेरे को अबव एवरेज रहना था हमेशा से. तो मैंने B.Sc मैंने ढूंढा था कि क्या पाथ हो सकता है दूसरा. एक JEE का पाथ है वो छू गया है, अभी दूसरा कोई पाथ होता रहेगा. तो मेरे को गेट का पता चला कि ठीक है हायर स्टडीज़ के लिए M.Tech के लिए ये है. तो जब देखा तो ठीक है ओके समझ में आया कि नहीं. तो एलिजिबिलिटी के लिए इसको गेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी होने के लिए MSc मेरे को करना पड़ेगा. तो ठीक है समझ में आया ठीक है B.Sc करेंगे 3 साल का, फिर उसका 2 साल MSc करेंगे और फिर जाके गेट में बैठेंगे हो जाएगा फिर. लेकिन B.Sc तो जस्ट ऐसी बहुत ही ज़्यादा लो कॉलेज से किया, कुछ भी नहीं था वहाँ पढ़ाई, खुद से भी पढ़ाई नहीं करी, थोड़ी सी भी टाइम वेस्ट ही किया 3 साल पूरा का पूरा. फिर MSc अच्छे कॉलेज में गए बट लेकिन वहाँ पर भी मॉब अच्छा था बट लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा अच्छा नहीं था कि वहाँ पर पढ़ाई करें. तो वो भी काइंड ऑफ 1 साल जब तक VisionGATE में नहीं आया तब तक वेस्ट ही गया वो. 2020 के एडमिशन के लिए मैं आया था, 2019 का गेट का होने के बाद में रिजल्ट वगैरह आने के बाद में मैं फेब वगैरह के एंड में आया था मैं VisionGATE में. अभी ये टाइम में लेना चाहूँगा मतलब कि मेरा MSc में मेरा फ्रेंड था राहुल सिंह, उसने मेरे को बोला था कि VisionGATE बहुत अच्छी क्लास है उसमें चल वहाँ पर हो जाएगा. उसको भी अच्छे से मालूम नहीं था बट लेकिन उसने थोड़ा किया होगा सर्च वगैरह, तो वो मेरे को ले गया था VisionGATE में. मैं को शायद नहीं लगता है कि मैं अगर अपने से सर्च करने जाता तो मैं कभी VisionGATE आता. तो वो मेरे को लेके आया था कि VisionGATE में कि अच्छी क्लास है सर, अगर किसी को पकड़ लेते हैं ना तो उसका पक्का एंड तक उसको छोड़ते नहीं और उसका पक्का गेट करवा के ही मानते हैं. अरे ठीक है चलेगा फिर चलते हैं. सर से बात करी थी, आया था ऑन द स्पॉट एडमिशन ले लिया, अपने आप को सरेंडर कर देगा कंप्लीटली बस. ठीक है अभी यही है, होगा तो यहीं से होगा नहीं तो नहीं होगा, जो भी होगा अभी भाग्य में जो भी लिखा होगा यहीं से आगे चलते हैं. तो वहाँ से स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट डे मेरे को याद है कि मैं आया था, सब फर्स्ट बेंच पे बैठा था, रिकरेंस रिलेशन वगैरह एल्गोरिथम्स में सर सॉल्व करवा रहे थे, नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. मैंने कभी बचपन से लेकर मैथ्स करी नहीं थी और सबसे पहले ही दिन मैथ्स की चीज़ें स्टार्ट हो गई कि ABGB सॉल्व करना है, ABGB के फॉर्मूले वगैरह मेरे को वो सब चीज़ें नहीं आती थी. 11-12 मैंने नहीं पढ़ाई करी थी तो मेरे को नहीं आती थी वो सारी चीज़ें, और उससे भी पहले तो नहीं पढ़ता था मैथ्स वगैरह. तो मैं सबसे पहले दिन आके मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था, लेकिन उस दिन ऐसा मतलब सब दिमाग से गर्मी उतर गई कि नहीं आता ही नहीं, कुछ नहीं आता है, चुपचाप पीछे जाओ अपना पढ़ाई करो. तो पहले के 6 महीने जो मैं गेट 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो पहले के 6 महीने ऑलमोस्ट मेरे अपने को बेसिक क्लियर करने में चला गया मेरा कि मेरे को ओके मेरे को मैथ्स आना चाहिए सबसे पहले. ये तो मेरे को 9, 10, 11, 12 इन सब के NCERT की बुक्स में सॉल्व करता था कि लाइक मेरे को होने पहले मेरा बेसिक्स बन जाए, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है. तो उस टाइम पे मेरे को मेरा फ्रेंड था, वो भी मेरे साथ MSc में था, उमेश शर्मा, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था. वो छोटी बहुत चीज़ें जो कोई भी इरिटेट होगा इतने हाई लेवल पर आने के बाद में कि तेरे को इतनी छोटी चीज़ें नहीं आती, लेकिन वो मेरे को इरिटेट नहीं होता था. मेरे को बहुत ऐसा छोटे बच्चे के जैसे उसने मेरे को सारी चीज़ें समझाई थी. धीरे धीरे वो 6-7 महीने तो मेरा लिटरली बेसिक को क्लियर करने में गया. फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बना था, वो मैथ्स ही कर रहा था मैं जब ऑलमोस्ट 6 महीने से, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि मेरे को चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा है। प्रोबेबिलिटी वगैरह ही मेन मेरा जो इंटरेस्ट जगह था पढ़ाई में। सर ने प्रोबेबिलिटी वगैरह के एक्सपेक्टेशन वगैरह के प्रॉब्लम सर ने करवाने स्टार्ट करे थे और वो मतलब लाइक मेरे को ऐसा लगा था कि ये मेरा फील्ड है, इस ये मेरे से होगा, मेरे को ये काम हो सकता है क्योंकि उसको देख के ऐसा लगा था कि इस ये चीज़ करने के लिए आपको कुछ आना चाहिए, पहले का बैकलॉग आपको कुछ चाहिए, 9, 10, 11, 12 का कुछ आपने पढ़ा रहेगा, वो नीडेड इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट प्योर एप्टीट्यूड थिंग कि आपको अगर आपको जस्ट कॉमन सेंस और कॉमन एप्टीट्यूड है आपका अच्छा, तो आप वो प्रॉब्लम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कर सकते हो। और मेरे को वो हमेशा रहता था कि ठीक है इतना है, और वो मेरे को सामने सामने दिखने लगे कि हाँ है मेरे अंदर ऐसा कॉमन एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड है मेरा, तो कि मैं ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकता हूँ। तो वो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जग गया था। वहाँ से मैं, मेरा फ्रेंड प्रतीक था, वो मेरा गेट 2020 के बैचमेट था, हम लोग साथ में पढ़ते थे, वो मेरे को मिला था उन लोगों ने, उसने मेरे को तन्मय से के साथ मेरी दोस्ती हुई थी, उसके ही थ्रू, लाइक उसी के पास में, उसके थ्रू में डाउट पूछने गया था। उसके बाद वहाँ से फिर मैं और सर के पास में लिटरली पहुँचा था कि 6-7 महीने में खुद में ही रहता था, आता था, क्लास अटेंड करता था। क्लास मैंने कभी भी मिस नहीं करी थी क्योंकि मेरे को ये था कि सर ने बोला कि जो क्लास पूरा अटेंड करेगा ना वो नहीं होगा। तो मेरा अभी नेक्स्ट डे एग्जाम है, फिर भी मैं उसे एक दिन पहले भी मैं रात तक मैं बैठा रहता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को एग्जाम रहेगा तभी भी मैं रात तक बैठा रहता था, मैं नहीं मिस आउट नहीं करता था मैं क्लास को कभी भी। तो सर से तभी कभी भी बात नहीं होती, लेकिन सब तन्मय के पास पहुंचा तो वो प्रॉब्लम्स जो थे अच्छे थे, तो सर के थ्रू वो प्रॉब्लम्स लेके हम लोग सर के पास भी पहुंचे, वहाँ पर भी बहुत डिस्कशन हो, वो सॉल्व हो गया था, लेकिन वो अच्छी चीज़ें लग गई थी कि ठीक है ये चीज़ें आती हैं मेरे को, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट लेकिन फिर धीरे धीरे सर ने बताया था मेरे को कि आप मैथ्स बहुत ज़्यादा करो, तुम मैथ्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो इस साल अगर नहीं भी हुआ ना, अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप गिव अप मत करना, आप रिपीट करना, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% आपको जहाँ जाना चाहोगे आपको हो जाएगा। तो मैंने मान लिया था वो कि यस ठीक है, मैंने शायद मे बी ये ईयर नहीं आता था मैथ्स, तो वो फियर को फाइट करने के लिए मैंने पूरा साल दे दिया मैथ्स को। मैंने ऑलमोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट लास्ट मेरे को धीरे धीरे समझ में आने स्टार्ट हुए थे क्योंकि BSc MSc बैकग्राउंड से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो लिटरली मेरे को नाम भी नहीं पता थे, और जो नाम जिनके पता थे तो वो BSc MSc में नहीं पढ़ाई होती थी कुछ भी, मतलब वो एग्जाम क्लियर करने के लिए वो मेरे को टेक्निक पता थी, वो मैं हो जाता था मेरे से कि एग्जाम क्लियर करने का ना, तो लिखने का कैसे टेक्निक वगैरह वो मेरा हो जाता था, एग्जाम मैंने क्लियर कर लेता था अच्छे पॉइंटर्स के साथ में क्लियर हो जाता था, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। गेट में आप वो नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के एग्जाम जैसा आप कहानी लिख के आओगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, वैसा नहीं था। तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरा लास्ट में ही आके मैंने स्टार्ट किया था। बट लेकिन वो ठीक है, गेट 2020 मैंने दे दिया था, वो भी मेरा उस टाइम के भी परफॉर्मेंस से मैंने बहुत सारे मिस्टेक करे थे, लेकिन ठीक है वो काइंड ऑफ डिजर्विंग था, उसके लिए उतना बुरा नहीं लगा था। तो 2500 मेरा उस टाइम पे रैंक आया था गेट 2020 में। तो सर से मैं आया था, पूछा था मैंने कि सर अभी क्या करना है, आप बोलो, आप जो बोलोगे मेरे को रिपीट करना है या नहीं करना। तो सर बोले कि आप रिपीट करो, आपका होएगा, 100% हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैंने सरेंडर मैंने आपको ने अपने आप को किया ही था फर्स्ट डे से। सर से जब से मिला था मैंने अपने आप को छोड़ दिया था कि सर आप जो बोलोगे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था 2021 मैं 2021 के लिए थोड़े टाइम में जो ऑफलाइन क्लासेस हुई उसके बाद में लॉकडाउन हो गया, फिर तो घर पर ही बैठ करके सर के साथ में जितना सेशंस होते थे मीट के, मैं डिस्कशन सेशंस तो मैंने कभी भी नहीं छोड़े थे। तो डिस्कशन सेशंस में सारे के सारे अटेंड करता था, मैं प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करता था डिस्कशन सेशंस में अपना। वो पिछले साल 1 साल मैंने वेस्ट कर दिया था डर के मारे कि मैं पूछूंगा मेरे को नहीं आता है, वो चीज़ मैंने इस साल में मैंने छोड़ दी थी क्योंकि नहीं आता है वो सब चीज़ें, नहीं आता है तो किसी को जिसको भी नहीं आता है भले बाकी लोगों को आता वो हंसेंगे वसेंगे, वो सब मेरे को नहीं लेना देना है, मैं बाकी लोगों का धर्म कर्म करने नहीं आया, मैं अपना जिंदगी संवारने आया, मेरे को अपने से मतलब है, मेरे को नहीं समझ आया मैं सर को पूछूंगा। तो मैं सर को प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करता था डिस्कशन में थ्रू आउट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, सर से जितने अच्छे प्रॉब्लम्स थे हम लोग अच्छे से करते थे, PNC प्रोबेबिलिटी ये चीज़ें मेरे को अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी। बट लेकिन ये साल ऐसा नहीं था कि मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम दूँ, तो इस साल मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान दिया था क्योंकि काइंड ऑफ लोग B.Tech वगैरह BE बैकग्राउंड से होते हैं तो वो लोग काइंड ऑफ 2-3 साल में कुछ भी जब भी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो उन्होंने कॉलेज में कुछ तो सुना रहता है, कुछ तो पढ़ा रहता है। मैं एकदम ही ब्लैंक था, मैंने कॉलेज वगैरह में कुछ भी नहीं पढ़ा था उन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वो मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट को जो चीज़ कभी पढ़ी नहीं है तो वो 1 साल में करना है, तो वो लेकिन है मेरे को था कि जब मैथ्स वगैरह जिंदगी भर नहीं किया वो अगर कवर अप कर लिया तो ये तो 4-5 साल की बैकलॉग है, तो हो जाएगा क्लियर। तो मैंने कर लिया 2021 में, मेरा 2-3 महीने ऑलमोस्ट मान लो 4-5 महीने में मेरा क्लियर हो गया था, कवर अप हो गया मेरा पूरा सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मेरा मैंने रेफरेंस बुक्स रीड करी, सर के लेक्चर से सारे अच्छे से अटेंड करे, सब समझ लिया अच्छे से, टेस्ट पर प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करता था। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, जल्दी से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पिछले साल थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही था, आता ही था, ऐसा ब्लैंक स्लेट नहीं थे एटलीस्ट 2021 में, तो स्टार्ट कर दिया था अच्छे से टेस्ट सीरीज वगैरह जल्दी से ही। टेस्ट सीरीज में मेरा थ्रू आउट द परफॉर्मेंस अर्ली मेरा जो स्टार्ट किया था मैंने बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस जा रहा था, 80-90 ऐसा मेरे को मार्क्स आते थे। बट फिर धीरे धीरे मे बी वो स्टार्टिंग में बहुत ईजी टेस्ट वगैरह रहते थे जो भी रहते थे, फिर धीरे धीरे लास्ट में थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स वगैरह आने लगे, तो वो वहाँ और मेरा थोड़ा मोटिवेशन और टाइमिंग वगैरह मेरा अजीब सा स्केड्यूल वगैरह होने लग गया था, तो वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया था। मैं 60 और 70 ऐसे वगैरह, कभी कभी 80 वगैरह मार्क्स भी जाते थे, बट लेकिन 70, 80, 60, 70 ऐसे कुछ भी मैं फ्लक्चुएट बहुत कर रहा था, स्विंग होता था मेरे मार्क्स काफ़ी टेस्ट सीरीज। लेकिन ठीक है धीरे धीरे होने लगे, लास्ट में जाकर के स्टेबलाइज हो गया था, मैंने अपना बना लिया था कि वर्स्ट केस ठीक है बेयर मिनिमम 70 मार्क्स आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो फिर लफड़ा जाएगा। 70 मार्क्स से नीचे जाने पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो गंदी तरीके से रैंक रहता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ये ठीक था, लाइक लास्ट में अच्छे से स्टेबल हो गया था कि हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट लेकिन फिर गेट का दिन था, एक दिन पहले मुझे रात, अभी तक मेरी जो ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ में ऐसा कि कि रात भर मैं नहीं सो रहा हूँ और अच्छे से, जबकि फिजिकली मैं टायर्ड था लेकिन फिर भी मैं रात भर नहीं सो पाया था। तो अगले दिन और मैं ऐसी सुबह में उठ करके बस चला गया, 9 बजे से स्टार्ट था, तो हम लोग को आधे 1 घंटे का तो ट्रैवलिंग वगैरह था, तो ट्रेन से जाने का था, जल्दी पहुँचने का था। स्टार्ट करने से पहले ऐसा लगा एग्जाम कि यार होएगा कि नहीं होगा, बट लेकिन वो विल पावर वगैरह रखते थे। और मेरे को उस टाइम पे सर की एक स्टोरी याद आई थी कि सर ने जब 2003 में सबसे पहली बार गेट दिया था, तो वो बोले थे कि रात भर वो भी नहीं सोए थे, सर के कोई रिलेटिव की शादी थी, वो पूरी रात में फंक्शन वगैरह में थे और वहाँ पर पूरा अरेंजमेंट वगैरह करे थे। और 2003 का पेपर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने इंजीनियरिंग टाइम पे वो दे के आए थे। मैं बोला कि यार सर थे उतने टाइम पे और ऐसे उन्होंने इतने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट में दिया था, और 2003 का पेपर था वो, उसके जैसे हार्ड बोलते हैं आज भी कोई पेपर नहीं था, वो इंजीनियरिंग टाइम पर वो दे के आए थे। तो यार मैंने तो 2 साल प्रिपेयर किया है और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में करी है, डीप में करी हुई है, तो कितना भी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऐसा क्या ही पूछेंगे जो मुझे नहीं आएगा। तो मैं लेके बैठा कि नहीं, डरा नहीं थोड़ा सा भी एग्जाम के टाइम पे, पैनिक नहीं हुआ कि होएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, साल भर की मेहनत नहीं जाएगी। किया अच्छे से, 60 अटेम्प्ट्स हुए, क्वेश्चन स्लो गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं स्पीड मेरी अच्छी थी थ्रू आउट टेस्ट सीरीज, लेकिन उस दिन मैं नींद में था और नींद की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने अच्छी खासी करी, सीधी मिस्टेक्स बोलते हैं लेकिन खैर वो सीधी मिस्टेक्स नहीं थी, जो भी थी नहीं हुई मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स। 60 अटेम्प्ट्स करे थे मेरे, 10 राउंड में 50 क्वेश्चन करेक्ट हुए, जो भी हुए भी थे राइट, वो भी झगड़े वाले क्वेश्चन से उनको बहुत कन्विंस कर करके आंसर वो मिल गए हैं। लास्ट में प्रेडिक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, तो 84 वगैरह रैंक दिखा रहा था, फिर धीरे धीरे खिसकते आया था, फिर 22 तक पहुँचा था, फिर फाइनल आंसर के आने के बाद 50 के बाहर चला गया। एट द एंड यही है कि हाँ ठीक है, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस था ये मेरा, ऐसा तो कभी परफॉर्मेंस नहीं करा कि इतना बेकार जाएगा। तभी भी अपना वर्स्ट मैंने अपना इतना अच्छा बना के रखा था कि 73 मार्क्स आए, 38 ऑल इंडिया रैंक आया। तो मेरे को क्या लगता है कि मेरी जर्नी नहीं ऐसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है, बहुत उबड़ खाबड़ी थी, जहाँ से स्टार्ट किया था आज वहाँ यहाँ पर देखते तो पता नहीं चलता कि कहाँ थे, वहाँ से यहाँ आना पॉसिबल भी है या क्या एक्चुअली। लेकिन लिटरली कोई किसी की वजह से हुआ, तो ये विजन गेट की वजह से हुआ, सर की वजह से हुआ, नहीं तो नहीं होता था ये एनवायरमेंट। अगर नहीं मिलता, अगर सर का ऐसा पर्सनल अफेक्शन नहीं मिलता तो शायद नहीं हो पाती ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल। तो ग्रेटफुल हूँ मैं, थैंकफुल बहुत छोटा वर्ड लगता है मेरे को, मतलब लाइक थैंक यू नहीं बोल पाता हूँ मैं, वो मेरे को अजीब सा लगता है। मैं ग्रेटफुल हूँ सर को कि और विजन गेट को कि उन्होंने भरोसा दिखाया, उन्होंने बिलीव किया मेरे ऊपर, और मैं हूँ आपके सामने। आपका स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, ये चीज़ के बारे में सर से सुनना चाहते हैं आपके बारे में हम लोग। So actually, many of you may not be aware that I have actually very soft corner for Ashutosh, multiple reasons actually. The very first thing actually, he's kind of my dead follower. So whatever I'll say right, he believed right that this is the only right thing. Second thing. We belong from the same district actually, hometown, and Actually, he started his, as he told, right, his journey is inspiring for everyone. You find the students who got actually 10 CGPA, prepared for JEE, got good marks, but he didn't get the actually IITs, was getting in IITs, right, qualified GATE, got rank 1, 2, 5, 10, 20, 150, right, whatever that is good. But look at, right, individual who is not actually engineering graduate. If you look at actually today's time, anyone whoever is not doing anything is doing kind of engineering. That is true, right? People may find my this particular statement could be controversial, but if you look at, right, in the era of this actually 2000 to 2020, there are so many engineering colleges. There is no proper entrance examination. If above average student would like to get admission, can get admission in engineering. If a student at that, even that circumstances, didn't do right engineering and have done right B.Sc, M.Sc, and he has already gone through with his journey. That he was not at all aware actually about anything, any concepts and all those things, right? Of course, he joined right somewhere in the month of right post actually GATE examination in 2019. At that point of time he joined. There are a couple of students have already joined. Class was actually in the right. Class has been started. Asymptotic notations I have already explained. Recurrence relation just I have started actually when he joined. He told right that he doesn't know maths at all. But now, and this would be the learning for everyone. And I am really very honest about whatever I am saying. Now, Ashutosh is actually very strong in terms of the maths concepts, typically probability, permutation and combination. Even there are occurrences when I am missing some cases or I solve the problem with the complex route. Means there are so many cases and it takes time to solve the problem, but he identified the simplest way to solve the problem. The best part of it actually, in GATE examination, there was a problem whose answer is 65 in GATE 2021. He solved the particular problems in few seconds. I shouldn't say, but still I am saying for my students, right? After GATE examination, right, after memory-based paper, right, there were solutions from many forums actually, many discussion forums, and all of them have given the absurd answer. Even me and Ashutosh both have already discussed, our answer was 65 because none of them are giving answer 65. So we confused whether we did something wrong or not. Then actually we read the question multiple times and then I found some couple of other way to solve the problem. And whatever way we solve the problem, the answer remains actually 65. So forget about, right? He doesn't know mathematics, that was the history. But at this point of time, he is one of the most brilliant students of mine who understand maths very well. What even you cannot solve through paper, he can easily visualize with the permutation need to be applied, combination, if there are many number of cases, how he can filter out the cases and how he can combine the cases, right? So understand, a person who has started from negative, or minus infinity, zero, whatever you love to say, but definitely not a good and decent start. If that person can know right maths, right, approximately best in the classroom, right, are right, comparable with the teachers, right. Even I personally feel that the permutation, combination, probability, these are my very strong area, right. And in those areas, I found that many times, couple of times, Ashutosh has identified the better way to solve that particular problem. Yes, he has actually three friends actually who joined. They were all of them are actually MSc computer science, but Ashutosh continue. And actually understand everyone. Whenever you understand the subject, then it is easy to continue, right? Because you will not feel demotivated. When actually people start discontinuing. Because you are attending the lectures and you are not unable to understand the things. One day you can sit, 2 days you can sit, 3 days, right? Then some day will come and you will start actually. So there actually commitment is important factors. As he told, he doesn't know, he realized that it is not the teacher mistake who is teaching the recurrence relation, right, and I am not getting. He understands it is my mistake that I doesn't know the AP series, JP series or AGP series. So I need to work hard. Even teacher has told from his direction, right, basic what is AP formula, how to get the summation, nth terms, right, for GP, HP, everything. And still I am not able to understand. So he has revised those concepts. So yes, whenever you don't know anything, you can't change yourself overnight. And he put some 4, 5, 6 months efforts. And finally, he is actually very good in maths. Once a person is able to learn maths, and typically in maths, permutation, combination and probability, then it is a full proof that you have right aptitude. And in the GATE, the alphabet which has the most important weightage, that is A for aptitude. Concepts regarding the graduations you can learn at any point of time. And I identified, yes, he did not say, right, I asked him, right, okay, you need to repeat. And one day I called him in my cabin, right, I said there is no issue, you need not to worry about anything, no second thought, right, just you repeat and give your 100% and definitely you will get results. I was not aware that my words will be so much, right, prophetic, that it comes true. And he currently, right, he secured All India rank 38, which is marvelous rank, and this should be the inspiration of many students. The best quality for him, at least for me, is a kind of a highly obedient, and I can trust him like anything, right? There is no, he's a kind of a, for me, right, synonyms of a trust. I know whenever I need and for whatever reason I need, that this person is always ready for me. So that's good thing, right? Once you have dedicated, you have surrendered towards your teacher, then automatically it is teacher responsibility that you should succeed into the examination. And whatever, I have appreciated him for maths, but I have also criticized him also that you are not learning the technical subjects. And through just only maths, you cannot be, right, get very good ranks for IITs. And next year, actually, he completely focused towards the actually technical subjects. And in the very last, actually, he himself told, right, I did not study actually the maths and typically, right, data structure, even algorithm much. And because that things he has already prepared into the first year of his preparation for GATE 2020, and second year, he's focused much more on the technical subjects. Yes, in examination, not only his speed is very fast and he used to attempt all the 65 problems regularly, but maybe, right, some examination pressure, unable to sleep last night, right, comfortably, maybe MSQ, right, he was able to attempt 60 problems, and once he told that I have just attempted 60 problems, I was completely, honestly annoyed over him, right, what you have done, right? You prepare, right, so strong and you just attempted 60 problem. And forget about the attempt of a 60 problem. Right. He was kind of, right, driving accidentally, right, means whatever directions he wanted to drive, right, left, right, he did, right. And he did many number of mistakes which was actually not desired. But fortunately, we have prepared in this way, if you perform your best, sorry, even worst, then still you will get the best rank, right. And the same thing is true for him. That's actually, whatever I have, right, I have always very good feeling, right, for him. So, मुझे ये पूछना है कि जब आप डिस्कशन में बैठते थे, तो आपके फ्रेंड्स को इंस्टेंटली क्लिक हो रहा है कि ये ऐसे होगा सब, और आप ऐसे कभी हुआ है कि आप ब्लैंक हो कि बिल्कुल नहीं समझ रहा और ये लोग को सारा आंसर सारा, तो वो एकदम डीमोटिवेटिंग हो जाता है, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब ये चीज़ इस साल तो नहीं हुई थी मेरे साथ में, इस साल नहीं होती थी कभी भी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता था जिसमें मैं ब्लैंक आउट होगा। और ये चीज़ मैंने पिछले साल सीख ली थी कि अगर आप, ठीक है, ब्लैंक आउट हो रहे हो ना, तो डिमोटिवेट नहीं हो, अपने अंदर सर में मैं गर्मी रखता था, मैं हम्बल था, ईगो नहीं रखता था कि नहीं मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। मैं सर के साथ में, मैंने, मेरे को याद है मैं झगड़ा करता था सर के पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो सर बोलते हैं ना, मैं सर के साथ में झगड़ा करता था कि कुछ प्रॉब्लम्स जो थे मैं कर लेता था अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम सर मेरे से अच्छे कर देते, तो वो मैं फाइट करता था सर के साथ में कि आपने कैसे सोचा ये चीज़ और मेरे को कैसे नहीं हुआ। लेकिन वो मेरे मन में ईगो नहीं रहता था कि यार इन्होंने ऐसे कैसे कर लिया और मेरे को क्यों नहीं आया। कोई बंदा 17 साल से एक चीज़ें पढ़ा रहा है, उतने टाइम से वो खेला उन चीज़ों के साथ में, तूने तो अभी 1 साल 6 महीने में सीखा है और तू अभी जस्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन वो भी चीज़ मेरे को, मैं लेता था ऐसे कि ऐसे कैसे नहीं आपको आ गया, मुझे नहीं आया, वो मैं फाइट करता था। लेकिन ईगो नहीं लेके आने का बीच में कि डिमोटिवेट मत हो कि हाँ उसको आ रहा है और मेरे को नहीं आ रहा है, तो उससे वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। डिमोटिवेशन हो करके आप कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते हो, तो जब अच्छा नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत हो, शांत हो जाओ, जाओ बैठो, चीज़ों को फिर से रीट्रेट करना स्टार्ट करो कि ठीक है क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर से देखना स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है दैन नहीं आएगा तो छोड़ दो, फिर पकड़ो जिसको समझ में आया, जिसने अच्छे सीखा उसको सीखो और समझने का ट्राई करो कि ठीक है क्या था, कि क्या थॉट था कि जो मैं नहीं मेरे को क्लिक हो रहा था, और याद रखो ठीक है ऐसा भी कुछ होता है, ये भी एक अप्रोच है, कुछ मे भी नया सीखने को मिल जाएगा आपको। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और ईगो मत लेके आओ बीच में कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए मेरे को। सर के साथ में क्लास में सर अपने टीचर के साथ में ईगो अगर आप लेके आओगे अपना बीच में तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कुछ भी नहीं, आप बेकार हो जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे। सर में गर्मी रखने का मतलब मेरा ये बोलना तो रहता है कि आप अंदर से हाई रहोगे, ठीक है मुझे आएगा 100% आएगा, मैं एफर्ट डालूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, डरूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो रखो। लेकिन ईगो मत लेके आओ कि अरे ऐसे कैसे ये वो ईगो नहीं, ईगो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, शांति रखो, फिर से देखो प्रॉब्लम्स को, सर के साथ में डिस्कस करो, एक नहीं आ रहा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा आएगा, धीरे धीरे टाइम लगता है। मुझे बहुत टाइम लगा चीज़ें सीखने में, आज भी ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है, आज भी कोई पीएनसी का प्रॉब्लम आएगा तो मे भी कुछ रहेंगे ऐसे जो नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है डर नहीं लगता अब, ये है डर हटा दिया तो फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे हो जाती है, बाकी चीज़ें सेकंड की बनती चली जाती है। अभी कुछ कुछ मिसकनसेप्शंस रहते हैं गेट एग्ज़ाम के ऊपर, जैसे कि आप अलग ब्रांच से हो, अलग डिपार्टमेंट से हो, तो मे भी आपको ज़्यादा हर्डल्स हो गए, तो ये पॉइंट पे आप क्या कहना चाहते हो कि वो जो डिफरेंस गैप रहता है डिपार्टमेंट नहीं होता है, मतलब कि एटलीस्ट मेरे को जो पता था और विजन गेट में सर को पूछोगे आप अपना, हमारा ये हिस्ट्री है कि यहाँ पर आकर के लोगों ने अलग अलग ब्रांचेस आकर के गेट में बहुत मस्त रिजल्ट्स लेके आए हैं, वो कहीं दूसरे किसी ब्रांच से आए, कुछ लेना देना नहीं कंप्यूटर साइंस में। मैं तो जबकि कंप्यूटर साइंस मेरे को तो पता था, कुछ कुछ चीज़ें तो पता ही थी, मैंने 11-12 से मेरे को कंप्यूटर साइंस था, लेकिन स्टील मैं पढ़ता ही नहीं था, तो फिर वो रहना स्ट्रीम में बात एक ही थी, मैडम मैं भी दूसरी स्ट्रीम से था, तो लेकिन मैं उतना होशियार नहीं था, मेरे से भी ज़्यादा होशियार दूसरे एक्चुअली इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आए हुए लोगों ने एक साल में 6-8 महीने में ऐसे करके लोगों ने निकाला है गेट। तो वो दिमाग में कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ नहीं होएगा मेरे से, या फिर किसी दूसरे ब्रांच से नहीं होएगा, सारी नई चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं होता है। जेनरिक एप्टीट्यूड जो सर बोले गेट में एप्टीट्यूड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही इंपॉर्टेंट है। आप गिव अप मत करो, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, ट्रस्ट रखो और सर के साथ में बस चलते रहो। यहाँ पर चलना मेन इंपॉर्टेंट है, बस सर के साथ में चलते रहो, आधा नहीं 90% काम वहीं हो जाता है, बाकी 10% तो आप कुछ बहुत और थोड़ा अच्छा करने के लिए कर जाओ, बाकी सर के खाली साथ में रहोगे तब तो आप लिटरली इजीली टॉप 50 में आ सकते हो। खाली सर के साथ में चलो, सर जो करने को बोल रहे हो वो करो, नहीं आ रहा तो सर के साथ में सीखो, पढ़ो। यहाँ पर क्लास में एटलीस्ट मेरे को जितना यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि इनफॉर्मल रहती हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, कि एक रेस्पेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से बात कर रहे हैं, बट लेकिन बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली सर एकदम फ्रेंड के जैसे हम सर से बात कर पाते थे, हम कि सर ऐसे कैसे कुछ भी पूछ सकते थे, कुछ भी करते थे, हम लोग बात हंसी मजाक सब करते थे। तो वो इनफॉर्मल जो एनवायरनमेंट रहता था वो बहुत हेल्प करता है, और स्ट्रेस बस्ट करने में वो चीज़ें रहती है। तो आपको कि अलग स्ट्रीम्स हैं तो वो स्ट्रेस रहेगा कि नहीं होएगा मेरे से, होता है, सब होता है, करते रहो, सर को फॉलो करो, बस हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आपका रोज का शेड्यूल क्या रहता था पढ़ाई? जो मैंने प्लान किया था, अगर मेरा ऑफलाइन क्लासेस चालू रहती तो मेरा बहुत अच्छा स्केड्यूल रहता, तो मेरा कुछ मेरे को स्केड्यूल ही नहीं होता। फिर तो मैं सुबह में 5-5 बजे उठ के, 5:30 बजे उठ के, 6:30 बजे घर से निकल के मैं 7-8 बजे तक आ जाता क्लास में, और फिर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं क्लास में रहता और चले जाता घर पे। ये मेरा अगर लॉकडाउन में था, क्लास का अगर चालू रहती तो मेरा यही स्केड्यूल था, एटलीस्ट 2020 में तो मैंने यही फॉलो किया था। बट घर पर मेरे से नहीं होती थी पढ़ाई, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा घर पर मेरे से नहीं होती थी पढ़ाई, तो वहाँ पर मेरा फ्लक्चुएटेड स्केड्यूल रहता था कि मैं कितने बजे उठ रहा हूँ, मैं कुछ श्योर नहीं, कभी 5 बजे उठ गया, कभी 6 बजे, कभी और थोड़ा भी लेट भी हुआ है। डिस्कशन में नहीं मिस आउट करता था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बन चुका था तो वो गलतियां हुई होंगी मे बी कि थोड़ा सा पंप अप हो गए थे कि आती आ रहे थे। तो हम लोग पूरे दिन भर डिस्कशन वगैरह करते थे, फिर टेस्ट वगैरह जब स्टार्ट हुए थे टेस्ट देते थे, फिर रेफरेंस बुक्स वगैरह में कंटिन्यूसली हम थोड़े टाइम पे मैं रीड करता रहता था। मैं इस साल जैसे सर मेरे को सर को लिटरली फॉलो करता था वर्ड बाय वर्ड, मतलब मेरे को ये है कि हाँ सर जितना होशियार नहीं हूँ मैंने, लेकिन मेरे को बनना है ना वैसा, तो मेरे को बनने का है। तो सर बोलते थे कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए थे, मैं रीड करता था रेफरेंस बुक से, मेरे को रिवाइज करना रहता था तो फिर से मैं रेफरेंस बुक से रीड करता था। तो वो चीज़ मैंने इस साल फॉलो करी। मैं पिछले साल मैंने नोट्स वगैरह बनाए थे, इस साल मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, मैंने एक पेन पेपर से कुछ भी लिखा नहीं, क्वेश्चन तक नहीं लिखता था मैं। क्वेश्चन ये याद रख के क्या फायदा होगा, लिख करके क्या फायदा होगा, दोबारा से कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर से ही सोचना पड़ेगा, तो फिर उसको उस टाइम पर ही सोचेंगे। मैं रेफरेंस बुक को ही रीड करता था, रिविजन के लिए फिर से रेफरेंस बुक को ही रीड करता था। मैं सर की चीज़ों को मैं आइडिया फॉलो करना चाहता था, जैसा सोचते हैं जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग बनते हैं। तो यही शेड्यूल फ्लक्चुएटेड ही रहता था, बट लेकिन हाँ कभी कभी 12-14 घंटे ऐसे इजीली पढ़ते थे, कभी कभी कम ही पढ़ते थे, लेकिन किसी दिन पढ़ा ही नहीं ऐसा कि कोई भी दिन नहीं करते थे। रोज कुछ ना कुछ नहीं तो रिवीजन क्या टेस्ट दिया, कुछ ना कुछ रोज ही करते थे। और कुछ भी नहीं हो तो डिस्कशन में तो आते ही थे, रोज डिस्कशन होता था, डिस्कशन तो डेफिनेटली अटेंड करते थे, डिस्कशन नहीं मिस आउट करते थे कभी भी। तो कुछ भी नहीं किया अगर दिन में भी, तभी भी डिस्कशन आके अटेंड कर लिया, सर कुछ ना कुछ तो ऐसा गंदा क्वेश्चन पूछेंगे जो आएगा ही नहीं, 2 घंटे तक खोपड़ी फोड़ते रहो, फिर जाके अगले दिन बता देंगे कुछ तो ऐसा इजी सा सॉल्यूशन तुम लोग से पूरे दिन भर में नहीं होगा, फिर होगा, फिर उसका डीमोटिवेशन आएगा कि अरे यार इतने 2 साल से पढ़ रहे कुछ नहीं आ रहा है, फिर नहीं ऐसे अच्छा सर को आ गया तो मेरे को क्यों नहीं आएगा, फिर वो मोटिवेट करते थे अच्छा ऐसा क्या बहुत ज़्यादा होशियार है सर, ईगो नहीं लेकर आते थे दिमाग में, लेकिन अपने आप को बोलते थे क्या सर बहुत ज़्यादा होशियार है क्या, होएगा अपने ह्यूमन ही है, कर लेंगे सर को बीट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पता है नहीं होता है, लेकिन दिमाग से करने का, खेलना चाहिए दिमाग के साथ में, खेलने से आधा काम हो जाता है। आपने एक वीक पहले क्या पढ़ाई की एग्जाम पे? नहीं एक वीक पहले नहीं कुछ भी नहीं पढ़ाई किया करी थी, छोड़ दिया था पढ़ाई। टेस्ट वगैरह एक जो दिए थे आखिरी टेस्ट अप्लाइड का दिया था, उसके बाद में सिंपल 1-2 टेस्ट दिए थे मैंने, एक लास्ट गेट बुक का दिया था टेस्ट। पढ़ाई ऐसे रिविजन वगैरह टाइप का नहीं किया था, रिविजन वगैरह अगर एक हफ्ते पहले तो नहीं किया था, थोड़ा सा आरुषि जी के हम लोग की प्रीवियस ईयर के बैचमेट हैं, उनके नोट्स उन्होंने बोर्ड पर जो लिखे थे प्रीवियस ईयर के, तो उन्होंने पूरा PDF कंपाइल करके रखा था। तो आखिर एक हफ्ते से पहले लाइक लिटरली वो एक बार सारे सब्जेक्ट का PDF गो थ्रू किया था, बाकी चिल आउट हो गए थे कि ठीक आता है 2 साल से पढ़ रहे हैं, एक्चुअली 2 साल से नहीं पढ़ रहे थे बट लेकिन ठीक है पढ़ लिया अच्छे से हो गया है, अभी कुछ ज़्यादा पढ़ के कुछ नया आ जाएगा ऐसा नहीं है, आती हैं चीज़ें अच्छे से अप्लाई करने का बस, बेसिक डूएबल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मत रॉन्ग करना, मैं अपने आप को इतना ही बोलता था, लेकिन फिर भी वही चीज़ें करके आया, तभी भी रॉन्ग डूएबल प्रॉब्लम्स ही रॉन्ग करके आया एग्जाम में। हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं धोखा देते हैं जल्दी, इजी प्रॉब्लम्स ही धोखा देते हैं गेट में, तो वही उन्होंने ही धोखा दिया मेरे को भी। तो आप वो कौन सी मिस्टेक्स कंसिडर करोगे जो आप अवॉइड कर सकते तो आपका रैंक और भी क्लोज आता सिंगल डिजिट में? थोड़ा सा और मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए था मुझे। मैं ये अभी गेट के बाद मेरे को वो चीज़ रियलाइज हुई कि यार ये चीज़ ये कभी मोमेंट कंसिडर ही नहीं किया कि मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी और मेरे को ऐसे बिना 6 घंटे 30 घंटे जग करके मेरे को पेपर देना पड़ेगा, वो मेरे को करना चाहिए था कंसिडर कि ऐसा भी कभी हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए मेरे को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए था। और मिस्टेक्स थोड़ा सा मे बी शायद इनिशियल जैसे जब लॉकडाउन हुआ था तो 1-2 महीने में रिलैक्स हो गया था, पता नहीं क्यों घर पे, मैंने बोला था कि घर पे नहीं होता था मेरे को पढ़ने। 2020 में मैं एक भी दिन मैं क्लास में नहीं, ऐसा नहीं होता था, क्लास रोज आता था और सुबह से लेकर के रात तक बैठे रहते थे, फिर वो घर पे वो एनवायरनमेंट ही नहीं बनता था, तो वो 1-2 महीने रिलैक्स हो गया था, फिर से वो मशीन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग गया। तो वो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा किसी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को नहीं कर सकते हो कि वही चीज़ चाहिए तो होगा नहीं तो नहीं होगा, वो सब चीज़ें नहीं, कंफर्ट जोन किसी चीज़ में इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि उसके बिना नहीं होगा। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता गया तो वो रियलाइज होता चला गया। इट दैट मैं मिस्टेक्स क्या करता मुझे नहीं समझ आता कभी कभी कि लाइक अच्छे से सोया रहता तभी भी वो मे भी हो सकता है कि हाँ अच्छा हो गया होता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता कि सच्ची में अगर हो गया ही होता तभी भी, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा ही कर लेता। मिस्टेक्स प्रैक्टिस वगैरह रहती है और थोड़ा सा मिस्टेक्स अवॉइड करना आपको सीखना पड़ता है, वो आना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि लाइक एक बार हो रही 2 बार हो रही तो उसको पनिश करना चाहिए अपने आप को कि नहीं हो ये वाली मिस्टेक्स वगैरह, सीधी मिस्टेक्स उनको बोल करके अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्या करता मतलब नहीं पता, थोड़ा और डिसिप्लिन होना चाहिए था, थोड़ा और हार्ड वर्किंग होना चाहिए था मे बी, और थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना चाहिए था खुद को, तो हो जाता मेरे को और थोड़ा और अच्छा आता। छोटी छोटी चीज़ों को मिस आउट नहीं करना चाहिए था, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उनकी डिटेल्स को हो जाती है तो फिर ठीक है। लेकिन आप हमारे बैच को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर? मतलब मेरा गुरु मंत्र इतना ही था, मतलब मैं आया था सर की बात में मानता था, मतलब मुझे मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ना वढ़ना पीयर टू पीयर, मतलब मैं अच्छा ग्रुप में हमेशा पकड़ लेता था, मतलब या फिर वो मेरे को पकड़ लेते थे, दोनों भी चीज़ें होती हैं। तो ग्रुप पीयर ग्रुप मेरा पिछले साल भी बहुत अच्छा था, तन्मय के साथ में था मैं पिछले साल पूरे साल, अभी भी वो रहता ही था डिस्कशन में। इस साल भी मेरा जयदीप के साथ में, सेजल के साथ में, इन लोग के साथ में मेरा डिस्कशन का वो रहता था। तो पीयर ग्रुप मेरा हमेशा से ही अच्छा था, अच्छा पकड़ लेता था, वो लोग पकड़ लेते, तो दोनों भी चीज़ें रहती हैं। पीयर ग्रुप अच्छा रखो और सर को फॉलो करो, क्लास मत मिस करना गलती से भी। डिस्कशन सेशन जब सर बोल रहे हैं ना, हम लोग इस साल के बैच में बहुत लोगों ने गलतियाँ करी कि डिस्कशन वगैरह नहीं अटेंड करते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डेड डिस्कशन देख रहे हैं। डिस्कशन रिकॉर्डेड देखने का लिटरली कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप के साथ में धोखा दे रहे हो, आप कुछ भी आप धोखा दे रहे हो आप लिटरली। डिस्कशन आप पार्टिसिपेट नहीं कर, अगर और उससे भी ज़्यादा मतलब लोग आते थे और पार्टिसिपेट नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछते नहीं थे, नहीं बोलते ही नहीं थे, तो वो नहीं होना चाहिए। आप डिस्कशन अटेंड करो, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करो एकदम, मतलब कि क्यों नहीं आएगा, आएगा आएगा। सर बताते हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएगा, थोड़ा डांट पड़ेगी सुन के लो ना, ईगो एक बार हो गया तो फिर थैंक यू ही बोलते बैठोगे आप, तो थोड़ा सा गाली खा लो, सुन लो, डांट खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सर को फॉलो करो लिटरली, और कुछ भी नहीं है, वो करवा देंगे, हो जाता है, मतलब उनके थ्रू भगवान करवा देता है, चाहे आपको जो मानना मान लो, लेकिन हो जाता है। सर को फॉलो करो और कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा अपने आप हो जाता है। थैंक यू सो मच। आपका सबसे मोटिवेटिंग है क्योंकि आप किसी और ब्रांच से हो और आपने इतना अचीव किया ये पॉइंट पे, और आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिला रहेगा जो अलग ब्रांचेस से हैं पर सोच शेयरिंग नहीं हो पाएगा, भी पर हो जाता है, हार्डवर्क से हो ही जाता है। तो थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद आवर मोर टॉपर्स इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।